हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप मस्ट। दोस्तों, एक्टर आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने फर्स्ट डे यानी कि चौथे दिन वर्ल्ड वाइड 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है। अब एनालिस्टों को उम्मीद ये है कि फिल्म के बिजनेस में आगे और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि फिल्म को फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 करोड़ रुपए के बजट पर बनी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने चौथे दिन 3.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इससे पहले फिल्म ने तीसरे दिन 5.5 करोड़, दूसरे दिन 4.5 करोड़ और पहले दिन 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 4 दिनों में 17.4 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया है। वही फिल्म हिंदी में करीबन 4.65 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। ट्रेंड एनालिस्टों का मानना है कि यह फिल्म द कश्मीर फाइल की तरह बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। बता दें कि आर माधवन के डायरेक्शन में बनी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट में शाहरुख खान और सूर्या कैमियो रोल में भी नजर आए हैं। बता दें कि आर माधवन ने देश के हीरो नब्बी नारायण की कहानी को पर्दे पर जिंदा कर दिया है और माधवन ने इस किरदार को जिया है। नब्बी नारायण की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सफर को माधवन ने परफेक्शन के साथ निभाया। एक भी फ्रेम को उन्होंने मिस नहीं किया। नब्बी नारायण के दर्द को माधवन ने काफी अच्छे तरीके से बयां किया है। बता दें कि फिल्म को माधवन ने ही लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसके लिए माधवन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। माधवन ने इस कहानी को वैसे ही पेश किया है जैसे करना चाहिए था। फिल्म में उनकी ईमानदारी साफ तौर पर झलक रही है और यही वजह है कि ये फिल्म काफी खूबसूरत बन गई है। माधवन ने साबित करके दिखाया है कि वो न सिर्फ एक शानदार एक्टर हैं, बल्कि कमाल के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अगर आपका दोस्त भी इस फिल्म को देखना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको भी दिखा के लाए। अच्छा सिनेमा तभी बनेगा और तभी चलेगा जब उसे सपोर्ट किया जाएगा। इस फिल्म को जरूर सपोर्ट कीजिए। ये हमारे देश के हीरो की कहानी है और ये फिल्म कई सवाल भी खड़े करती है और उन सवालों के जवाब हम सभी को देने हैं। बता दें कि इसे रेटिंग में 5 में से 4.5 स्टार मिले हैं। इसलिए दोस्तों, आप जरूर इस फिल्म को देखिएगा। साथ ही दोस्तों, नबी नारायण और आर माधवन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।